नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना वायरस के दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। देश में पिछले तीन दिन से हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,38,000 से ज्यादा पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3,18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे हैं। देश में अब तक 1,79,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1,05,00,000 लोग हैं। इसके लिए हमें 3 करोड़ खुराक की जरूरत है, जिनमें से दिल्ली सरकार को अब तक सिर्फ 40 लाख खुराक मिली है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीने के लिए हमें 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हर रोज 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हर रोज 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली को टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोरोना वायरस की बढ़ती लहर ने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है। अब एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना की जद में आ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साझा की और बताया कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। कंगना ने अपना हालचाल भी शेयर किया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 13,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 162 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली से सटे जिले में एक बार फिर से बर्बादी की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। गुरुग्राम में फिर से इस बार 3,500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना से प्रभावित जिलों में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर, जहां पर 1,500 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग से सलाह और मशविरा के लिए स्वतंत्र होगा। यह टास्क फोर्स काम करने के अपने तौर तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का भी ऐलान किया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अम्बाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल से पीजीआई रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कहा कि एम्बुलेंस चालक की ऑक्सीजन बलदेव नगर जाकर खत्म हो गई, इसके चलते मरीज की मौत हुई। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने पहले 4,000 रुपए की डिमांड की, बाद में 2,500 रुपए में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन बलदेव नगर के पास जाकर ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल में परिजनों के हंगामा करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उधर भिवानी में सीआईए की टीम ने निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। स्टोर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। टीम को मौके पर 2 इंजेक्शन मिले हैं। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाकर कार्रवाई की गई। हालांकि दोनों इंजेक्शन नकली बताए जा रहे हैं। सीआईए और ड्रग विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल, बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल समेत कोविड सेंटरों में सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद में लगी हुई है। दवाइयां और ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पताल सरकार की जारी रेट लिस्ट में अपने अस्पताल के बाहर जस्पा करें, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के सामुदायिक भवन में बनाए गए कोविड सेंटर पर पहुंचकर डॉक्टरों से जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि सामुदायिक भवन में ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने तिगांव के स्वास्थ्य केंद्र में भी सुविधाओं का जायजा लिया। यहां पर कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध मिले और लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन का काम भी सुचारू तरीके से चलता हुआ मिला है। बीके अस्पताल जाते वक्त नीलम फ्लाईओवर पर एक गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी हुई नजर आई, तो परिवहन मंत्री ने गाड़ी रुकवाकर उस गाड़ी में बैठे लोगों से पूछताछ की। गाड़ी की ऑक्सीजन ले जाने के परमिशन को देखने के बाद ही उसे जाने दिया गया।
भिवानी में लॉकडाउन लगने के साथ ही ऑटो चालकों का काम धंधा चौपट हो गया है। ऑटो चालकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। रेवाड़ी में कुछ घंटों के लिए सब्जी मंडी खुलने से किसानों को सब्जियों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। किसानों ने सब्जी मंडी खोलने की समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग की है। किसानों की माने तो मेहनत के बाद उनका टमाटर मात्र 2 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, जो बाजार में 15 से 20 रुपए प्रति किलो ग्राहकों को मिलता है। किसानों का कहना है कि टमाटर उगाने के लिए 1 एकड़ पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका उन्हें 50% भी नहीं मिल पा रहा। यही हाल तरबूज का भी है। प्रदेश में शनिवार को अब तक की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की गई। 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। वहीं हरियाणा का कोटा 272 मीट्रिक टन का है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को 46 मीट्रिक टन, फरीदाबाद को 34 मीट्रिक टन सप्लाई की गई, तो 22 मीट्रिक टन रोहतक और सोनीपत के साथ ही करनाल को भी ऑक्सीजन सप्लाई की गई। उधर चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में सीएम ने 8,000 टीमों का गठन किया, जो कि 6,700 गांव में घर में जाकर कोरोना टेस्टिंग करेगी। गांव में दवाइयों की उपलब्धता पर भी ध्यान रखने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हर एक टीम का प्रमुख होगा। सरकार ने गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक कोरोना की टेस्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने गांवों में दवाइयों की उपलब्धता पर भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हर एक टीम का प्रमुख होगा, साथ ही ट्रेनिंग डॉक्टरों की अगुवाई में भी टीमें बनाई जाए। गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गांव में धर्मशाला सरकारी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए, साथ ही आयुष केंद्रों को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करें। गुरुग्राम में स्कूल भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेक्टर 9 के सिद्धेश्वर स्कूल में अस्थायी अस्पताल बन रहा है। बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये कोविड अस्थायी अस्पताल 50 बेड का बनाया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने सेवा भारती के प्रयासों की तारीफ की है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी जाने का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार की ओर से बसों को एंट्री पर बैन लगाए जाने के बाद हरियाणा में बसों को बॉर्डर तक लेकर जाया जा रहा है और यूपी जाने वाले मजदूर तेजी से प्लान कर रहे हैं। यूपी जाने वाले लोगों ने बताया कि वे यहां से सहारनपुर बॉर्डर तक जाएंगे, फिर वहां से पैदल बॉर्डर पार करके आगे की बस लेंगे। घर वापस जाना मजबूरी है, ऐसे में उनके वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सोनिया गांधी की मांग और सवालों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हौसला बढ़ाने के बजाय कांग्रेस हर रोज कोरोना से लड़ रहे लोगों का मनोबल गिराना चाहती है। अनिल विज ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे डॉक्टर्स, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट किया है। लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसका असर कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा और सरकार ने अभी लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया है। एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए हरियाणा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और भारत विकास परिषद के सहयोग से तैयार किए गए 75 बेड के कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी ने भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी से 250 कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड की है, जिनमें से अभी तक 40 कॉन्सेंट्रेटर हरियाणा को मिल चुके हैं, जिनसे रोगियों को काफी हद तक मदद मिल सकेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में हेमकुंड फाउंडेशन की ओर से 500 बेड का ऑक्सीजन सेंटर खोला गया, जहां पर ऑक्सीजन बेड से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 61 के ग्राउंड में ऑक्सीजन सेंटर बनाया गया, जहां पर फिलहाल अभी 300 से 400 बेड यहां पर लगाए गए हैं और बहुत जल्द यहां पर बेड की संख्या को बढ़ाकर 500 से 700 किया जाएगा। हेमकुंड फाउंडेशन के प्रतिनिधि ईशान सिंह की ओर से कहा गया कि हेमकुंड फाउंडेशन की इस पहल से न सिर्फ गुरुग्राम के मरीजों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पूरे एनसीआर के कोरोना संक्रमित मरीजों को इससे बहुत फायदा होगा। उधर करनाल में हरियाणा रोडवेज डिपो को 8 दिन में 80 लाख रुपए का घाटा हुआ। करनाल डिपो जीएम कुलदीप सिंह ने बताया है कि हर रोज 10 लाख का घाटा डिपो उठा रहा है। जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि उनके डिपो से 138 बसें रोडवेज की हैं, 10 बस किलोमीटर स्कीम वाली हैं, जिनको रोक दिया गया क्योंकि उनको 27 रुपए प्रति किलोमीटर सरकार की ओर से पेमेंट देनी होती है, जो कि महंगा पड़ता है। चरखी दादरी पुलिस को 6 और इनोवा गाड़ियों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहुंचकर इनोवा गाड़ियों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग को मिली इन 9 इनोवा गाड़ियों को इमरजेंसी में कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग किया जाएगा।
पुलिस कर्मचारियों को इन वाहनों को चलाते समय कोविड 19 के बचाव के संबंध में निर्देशित किया गया। चालक पुलिस कर्मियों को महामारी के दौरान कोई भी जोखिम से बचने के लिए आगे की सीट और पीछे की सीट के बीच में एक पारदर्शी विभाजन भी बनाया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसीपी बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया है। एसीपी महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, साथ ही बिना काम घर से निकलने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा के बाद झज्जर में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो चुका है। 50 बेड वाले अस्पतालों में 500 मिलीमीटर प्रति मिनट उत्पादन के 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रदेश भर में लगने हैं, जिनमें से झज्जर, रतिया, बल्लभगढ़, पटौदी, सोहना, हांसी, ढोडल, समालखा में शामिल हैं। 500 लीटर के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि डीआरडीओ की ओर से 100 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाने, जिनमें से नारायणगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, जगाधरी, रोहतक, नानोल शामिल हैं। वहीं 200 बेड वाले 16 अस्पतालों में 1000 लीटर उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे, जो कि अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, यमुनानगर, सिरसा और पंचकुला के सरकारी अस्पताल भी इसमें शामिल हैं। हरियाणा में लगे लॉकडाउन पर चढ़ोनी ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं लकडाउन है, ये लोगों की किस्मत फोड़ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले सरकार को मजदूरों के खाने का इंतजाम करना चाहिए। बढ़ते कोरोना पर उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बेड अस्पताल चाहिए होते हैं, लेकिन सरकार के पास इनका कोई इंतजाम नहीं है। लॉकडाउन के बाद बल्लभगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने अपने अपने गांव और घर की तरफ जाना शुरू कर दिया, हालांकि ये लोग बताए जा रहे हैं। रोडवेज के जीएम ने बताया है कि ये वो लोग हैं जो डेली रूटीन लॉकडाउन के बाद बल्लभगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने अपने अपने गांव और घर की तरफ जाना शुरू कर दिया, हालांकि ये लोग रूटीन वाले बस में 26 या 27 सवारियों को ही बैठाया जा रहा है। सभी का टेम्परेचर चेक करते हुए बस के अंदर एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने के लिए कहा गया। सवारी भी नियमों का पालन कर रही है, टिकट भी बस के अंदर नहीं दिया जा रहा, सवारी को टिकट बस में चढ़ने से पहले ही दिया जा रहा है। रेवाड़ी में भी लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां होती हुई नजर आई। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। देश भर में 18 उम्र से ज्यादा वालों का टीकाकरण शुरू हो गया। नानोद में भी जब मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो मेला सा लगा। बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियम मानने की अपील की, लेकिन युवाओं ने इसकी परवाह नहीं। मावत ही आ गई कि टीकाकरण का काम बंद करना पड़ गया। अस्पताल प्रशासन को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, या पुलिस सुरक्षा में ही टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना ने लोगों के दिमाग में इतनी दहशत पैदा कर दी कि वे बीमारी के कारण तड़प तड़प कर मरने से पहले ही खुद अपनी जान दे रहे हैं। रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मानसिक रूप से परेशान 61 साल के एक कोरोना संक्रमित शख्स ने नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। मौके पर मौजूद लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदते हुए शख्स की वीडियो बनाई, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। मृतक हाल ही में बिजली विभाग से रिटायर हुआ था। 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने की वजह से उसे रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।
पुलिस के मुताबिक कोरोना बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान हो चुके युद्धवीर ने तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान दी। फरीदाबाद में कोरोना का ज्यादा कहर दिखाई दे रहा है, यहां पर बेड और ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी बची हुई। जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, ये चार मौतें 10 दिन के अंदर। फरीदाबाद शहर की फ्रंटियर कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार जिसमें मरने वाले पति पत्नी और दो बेटे हैं, इन चारों की मौत 10 दिन के अंदर हुई। कॉलोनी वालों का एक निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप है, इनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख का बिल बनाया। 2.5 लाख कॉलोनी के लोगों ने जमा भी करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के द्वारा उनको प्रताड़ित किया। लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन और अस्पताल की लापरवाही के चलते ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने पर इनके बेटे रोहित की मौत। गुआना में कोरोना वैक्सीन बुजुर्ग दंपति के लिए संजीवनी साबित हुई है। शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी के व्यापारी विनोद सिंगला के परिवार में 9 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन लेने के चलते उनके माता पिता ने कोरोना को 6 दिन बता दिया। सबसे पहले व्यापारी विनोद सिंगला के परिवार में 15 अप्रैल को उनका बेटा और भांजा कोरोना पॉजिटिव हुए। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। महम में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, सरकारी अस्पताल बिना वेंटिलेटर है और न डॉक्टर। गुरुग्राम में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिले में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक जिले में लॉकडाउन लागू है और जिला प्रशासन की ओर से जिलेवासियों को केवल आवश्यक काम के लिए ही ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं, उसी के आधार पर आमजन अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। एक सप्ताह के दौरान गुरुग्राम पुलिस की ओर से शुक्रवार तक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है। गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भिवानी में पुलिस सख्त हो गई, गांव में नाकाबंदी की गई। पहले थानों के एसएचओ के जरिए जनता कर्फ्यू लगाया गया और अब पूर्ण लॉकडाउन की कार्रवाई की गई है। खरक कलिंगा सीपर देवसर और बड़वा गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों से अपील किया कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के अंसर सोसाइटी में डॉक्टर पति के कोरोना पीड़ित होने पर डॉक्टर पति ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर धारा 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कर सौंप दिया गया है।